हेलो गाइज, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 11 मार्च 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। शुरू करने से मैं आपको बता दूं, हमारे सारे कोर्सेज की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, वो है स्कोरिंग लो। ऊपर वाला आर्टिकल जो है वो बेसिकली शेयर मार्केट के ऊपर किस तरीके से जो है शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं, सेंसेक्स गिर रहा है उसके ऊपर है। दूसरा जो आर्टिकल हमारा इंपॉर्टेंट है ये स्कोरिंग लो। बात है कि अभी डाटा निकल के आया, डाटा में कहा गया किस तरीके से जो प्लेग्राउंड है और इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे स्कूलों में एब्सेंस है। खास करके यहाँ पे सरकारी स्कूलों की बात हो रही है। भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने बनाया? भारत ने। और भारत ही है जिसने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को इलेक्ट्रिफाई नहीं किया। तो एक तरफ तो हम जो है किसी चीज़ में लीडर बन रहे हैं, लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उस चीज़ में अपने डोमेस्टिक जो है उसमें हम काम नहीं कर रहे। हम कोशिश ये कर रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ज़रिए कि फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी, जो सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी इम्पोर्टेंस दुनिया को दिखाई जाए। और हमारे देश के स्कूलों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस चीज़ की पड़ताल होती है कि हमारे देश में स्कूलों में कितनी सोलर एनर्जी चलती है। कॉन्करेंट पावर, कॉन्करेंट है एजुकेशन, कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। अब मुझे बताओ ये लिस्ट हमारे संविधान के कौन से शेड्यूल में आती है? कॉन्करेंट लिस्ट में, एक यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट कानून बनाती है, और स्टेट लिस्ट में हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स कानून बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों बनाती है। हालांकि यूनियन की ज़्यादा जो है इसमें डोमिनेंस है, यूनियन कानून बना के इसको ओवरराइड कर सकती है स्टेट के लोग को, ठीक है। तो कॉन्करेंट में पावर दोनों की है। कॉन्करेंट पावर एजुकेशन की, तो सेंटर भी अपनी तरफ से एजुकेशन के लिए स्कीम्स बनाता है, काफ़ी सारे स्कूल्स एजुकेशन प्रोग्राम्स स्पॉन्सर करता है, और जैसे कि आपकी समग्र शिक्षा अभियान चलता है, मिड डे मील स्कीम चलता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे जो डाटा निकल के आया उसमें ये देखा गया कि गवर्नमेंट स्कूल्स में केवल आधी स्कूल्स ऐसी है करीबन 56% जिनमें इलेक्ट्रिसिटी है, और आधी ऐसी हैं जिनमें प्लेग्राउंड है, और करीबन आधी इतनी है जिनकी बाउंड्री वॉल भी नहीं है, बाउंड्री भी नहीं है। अब आप बोलोगे कि प्लेग्राउंड की क्या ज़रूरत? देखो प्लेग्राउंड जो है आज के टाइम पे काफ़ी उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जिस तरीके से घर ही घर में रह जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते। और गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो पंखा नहीं चलेगा, ट्यूबलाइट नहीं होगी तो किस तरीके से काम होगा। और बाउंड्री वॉल भी रखनी ज़रूरी है। हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स यानी कि जैसा देखा गया कि जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं कि हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स की मैं बात करूं अगर, तो वो तो अच्छे से उनका भी डाटा निकल के आया, लेकिन पॉलिटिकली वेल प्रेजेंटेड उत्तर प्रदेश की बात करूं जिसकी काफ़ी ज़्यादा जो है सीटें हैं लोकसभा में, 70% स्कूल यहाँ पर बिजली नहीं है, 70%। और अंदर अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटाबेस देखें, ज़िले में अगर जाएं हम, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने जो इस स्कूल्स में नहीं हैं। पहला, नेगलेक्ट ऑफ टॉयलेट कंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए टॉयलेट कंस्ट्रक्शन नहीं है अलग से, गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स नहीं हैं अ थर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स में, लेबोरेटरीज नहीं है हायर सेकेंडरी साइंस स्टूडेंट्स के लिए, तो थ्योरी वाइज पढ़ा दो, प्रैक्टिकल करवाते ही नहीं है। और इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ पे ऐसी बात नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं है, बिल्कुल मामला ठप पड़ा है ऐसा नहीं है। सेक्शंस हैं, प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही धीरे तरीके से काम किया जा रहा है, प्रोग्रेस काफ़ी टार्डी है। अब एक बार हमारी जो एनडीए गवर्नमेंट आई थी, ये बीजेपी वाली, तो इस बीजेपी के और उसके साथ की जो पार्टीज़ हैं उनके अलायंस को एनडीए गवर्नमेंट बोलते हैं, और कांग्रेस और कांग्रेस के साथ की पार्टीज़ को यूपीए गवर्नमेंट बोलते हैं, तो कन्फ्यूज मत हो जाना। एनडीए गवर्नमेंट ने पहले क्या किया था, अभी जब सेकेंड टर्म में आई थी, 100 डे प्रोग्राम चलाया था एजुकेशन के लिए, जिन्होंने उनमें फोकस किया था कि सेंट्रल स्कूल्स खोले जाए और स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई जाए 100 दिन। 100 दिन मतलब एक मिशन मोड प्रोजेक्ट, 100 दिन का मतलब है डेडलाइन है कि इसमें हमको काम करना ही है। इट शुड बी पॉसिबल टू ब्रिंग दिस सेम मिशन मोड अप्रोच टू इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ।
ये मिशन मोड अप्रोच हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आनी चाहिए। तो आप कई बार न्यूज़ में देखते होंगे ना कि इस स्कीम के लिए मिशन मोड अप्रोच चाहिए। मिशन मोड मतलब एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन के अंदर हमको काम करना पड़ेगा। अब सोलर पावर कैन बी इंस्टॉल्ड इन स्कूल्स एंड टॉयलेट बिल्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन 100 डेज। 100 डेज के अंदर सोलर पावर नहीं लग सकते क्या स्कूल्स में? टॉयलेट नहीं बन सकते क्या? टॉयलेट को बनाने में 100 दिन से ज़्यादा लगेंगे? आराम से बन सकते हैं, आराम से। तो मिशन मोड हमको चाहिए। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है टू मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्टिव्स आर सेटिस्फैक्टरली मेट। सेटिस्फाइड हो जाए यहाँ पे सारे लोग कि हाँ सरकार भी काम हुआ है, लोग भी काम हुआ है, स्कूल के बच्चे टीचर सब हाँ भाई काम हुआ है। इट मे बी मोर चैलेंजिंग टू फाइंड अटैच्ड प्लेग्राउंड्स। अब देखो स्कूल है, स्कूल के आसपास कोई जगह नहीं होती तो प्लेग्राउंड क्या जबरदस्ती कहाँ से बनाई जाए? बच्चों को पढ़ाए कि बच्चों के स्कूल में प्लेग्राउंड बनाए? जगह भी तो नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी 500 मीटर 100 मीटर 200 मीटर दूर जगह जो है प्लेग्राउंड बना दो, ठीक है। तो आप जो है हो सकते हो कि उसमें ही जो है स्कूल में कुछ जुगाड़ करके ग्राउंड बना दो। तो बेसिकली टेम्पररी अरेंजमेंट्स कर सकते हो, परमानेंट अरेंजमेंट्स कर सकते हो। मोर फंडामेंटली द सेंटर स्टेट्स मस्ट रियलाइज, सेंटर और स्टेट को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जितनी भी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बातें करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? डेमोग्राफिक क्या है? आपकी पॉपुलेशन। डिविडेंड मतलब उसका कितना जो है प्रॉफिट आपको हो रहा है। अब डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड क्यों होगा, पॉपुलेशन से प्रॉफिट क्यों आएगा? आप तो सुने होंगे कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो उल्टा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हेल्थ की समस्याएं आती हैं, उतना ही पैसा खर्च करना पड़ता है। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड आएगा कैसे? कि जब आपकी पॉपुलेशन में काम करने वाले वर्किंग फोर्स ज़्यादा हो। और यही भारत के साथ हो रहा है। चाइना बूढ़ा हो चुका, जापान बूढ़ा हो चुका, यूएसए बूढ़ा होने के कगार पे। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि हमारे देश में अब जवान, भारत अब जवान हो रहा है धीरे धीरे, और ये कुछ समय तक रहेगा, 20 साल 30 साल तक। तो डेमोग्राफिक का डिविडेंड अगर आपको लेना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको लेना है, तो बातें करने से कुछ नहीं होगा। व्हेन दे डू नॉट प्रोवाइड इनफ फंडिंग, जब आप प्रपोजल के लिए फंडिंग ही नहीं दोगे, और जो दे भी रहे हो वो आपका प्रशासन, जो आपके ब्यूरोक्रेसी, जो आपके जो एग्जीक्यूटिव है, वो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जितनी भी बात सरकार करती है वो फालतू है अगर ये काम नहीं होगा तो। पार्लियामेंट्री कमेटी ने नोट ये भी नोट किया था कि स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को पैसा 27% तक कट करके दिया गया है बजट एस्टिमेट जो आया 2020-21 का। और पब्लिक एक्सपेंडिचर तो एजुकेशन पे बढ़ रहा है भाई, आप और मैं एजुकेशन पे बहुत खर्चा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पैसा में कटौती आ रही है। तो गवर्नमेंट रन स्कूल्स में जो है इन्फ्यूजन चाहिए। पब्लिक स्कूल सिस्टम जो है उसमें यूनिवर्सल एसेस होना चाहिए, गुड लर्निंग और सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये हाईएस्ट नेशनल प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है सरकार क्यों खर्चा करे, सरकार कहीं और पैसा लगा दे। भाई पब्लिक जब एक्सपेंडिचर करती है तो सरकार जो है हेल्थ में लगा दे। पर पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब ये नहीं है ना कि हर आदमी करता है। किसी को घर में खाने को रोटी नहीं है तो बच्चे को कहाँ से पढ़ाएगा? तो उसके लिए सरकार आए। किसी को घर में किसी के जो है कमाने की कोई सोर्स नहीं है तो उसके लिए सरकार आ गया। इसलिए सरकार का भी यहाँ पे रोल रहना चाहिए। और बजट कट जैसी बातें एजुकेशन में शोभा नहीं देती। ये है यस बैंक की फेल पे, ये हम पिछले 2-3 दिनों से आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उस वही चीज़ें हैं। तो इसमें जो हम ध्यान नहीं देंगे एक आर्टिकल एक तो किसी भी न्यूज़ को आप लिमिटेड जो है टाइम दिया करो। अभी जैसे आप देखोगे कि कई बार क्या होता है कि एक ऐसी न्यूज़ है जो बार बार बहुत ज़्यादा आती रहती है। तो जैसे जम्मू कश्मीर वाला जो इशू था, अब जम्मू कश्मीर वाले पे आपको एक ओपिनियन बनाना था। जिस आपका ओपिनियन बन जाए ठीक है, अब अगले इशू की तरफ बढ़ो। अब जम्मू कश्मीर वाले पे सीए पे के आर्टिकल आते रहते हैं, तो एक बार आपको अपना ओपिनियन बनाना चाहिए आर्टिकल देख के, फिर जो है आपको नए इशू पे जाना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं सीए इतना चल रहा है तो सीए न्यूज़ में है तो ये यूपीएससी पूछेगा। यूपीएससी कभी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपको पूछेगा ही नहीं, 1% चांस है कंट्रोवर्सी में जो टॉपिक को पूछेगा ही नहीं। तो उसके लिए लिमिटेड जो है ध्यान दो। यूनिवर्सल स्टेटस ऑफ पर्सनहुड, अब ये सिटीजनशिप भी काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में थी, लेकिन मैं आपको बताऊं ये आर्टिकल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस आर्टिकल में सॉल्यूशन है। आप कहते हो ना कि भाई सरकार यहाँ पे अगर सिटीजन्स में और इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनमें फ़र्क कर रही है तो सरकार तो लोगों की चिंता कर रही है ना। एक तरफ आप बोलोगे कि यार यहाँ पे जो लोग हैं वो सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पा रहे तो लोग परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी भी चिंता किस काम की जब लोग परेशान हो रहे हैं? तो इस चीज़ का सोल्यूशन इस आर्टिकल में है कि सरकार का भी काम हो जाए, सिटीजन का भी फर्ज जो है हो जाए पूरा। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस आर्टिकल में पहले पैराग्राफ से। अ सीरीज ऑफ जजमेंट्स डिलीवर्ड बाय द गुवाहाटी हाई कोर्ट, देखो गुवाहाटी हाई कोर्ट का भी जजमेंट्स आए पिछले कुछ सप्ताह में, ये हैज़ ब्रॉट इन टू शार्प फोकस। ये फोकस जो है लोगों का इसी तरफ जा रहा है
किस तरफ अटर ब्रूटिलिटी ऑफ रिजिम है, अथॉरिटी की जो अत्याचार है, अथॉरिटी सरकार का जो यहाँ पे ब्रूटिलिटी है फॉरेन ट्रिब्यूनल असम, फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है असम में। अब ये फॉरेन ट्रिब्यूनल क्या है, ये ही ट्रिब्यूनल है जो किसी आदमी को जो है यहाँ पे डाउटफुल बताते हैं और यहीं पे आके वो आदमी जो है बताता है कि वो सिटीजन है, प्रूव करता है। अब बोलोगे इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अनरीजनेबल बर्डन लोगों पे डाला जा रहा है जब उनको फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया जाता है, उनसे स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो माना जाता है इज होली इकमसुरेट विद द कॉन्सिक्वेंसेस दैट बिफॉल अल्टीमेट फाइंडिंग। जो कॉन्सिक्वेंसेज है इन प्रूफ के, ये जो प्रूफ लाने के, और ये जब नहीं दे पाते तो इनको डिटेंशन कैंप्स में बंद कर दिया जाता है और स्टेटलेसनेस की कंडीशन इनको दी जाती है। स्टेटलेसनेस मतलब कि आपके कोई किसी देश के आप हो ही नहीं, कैसा फील होता होगा जब लगता होगा कि हम किसी देश के हैं ही नहीं। सरकार अपना काम कर रही है लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है उस पर सवाल हो रहा है कि भाई लोगों से डॉक्यूमेंट्स क्या माने जा रहे हैं। अगर जितने भी जजमेंट्स हम देखें, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताए लाने के लिए जो कि वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि कई कोई भी पिटिशनर यहाँ पे सक्सीड हो जाए खुद को प्रूव करने में कि हाँ मैं सिटीजन हूँ। 2010 से 2019 के बीच में हाई कोर्ट के कई ऑर्डर्स को देखा गया कुछ लोगों के द्वारा, उन्होंने देखा 97% केसेस में पिटिशनर को यहाँ पे फॉरेनर घोषित कर दिया गया बजाय कि उसने कितने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लाए। सरप्राइजिंग बात यह है कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से कुछ तो आपके पास और मेरे पास भी नहीं होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स वो ले आए और उसके बावजूद भी उन्हें फॉरेनर घोषित कर दिया गया। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आपका कोई आधार कार्ड वगैरह हो गया, वोटर लिस्ट, लैंड रिवेन्यू रिसिप्ट, लोकल पंचायत के द्वारा कोई सर्टिफिकेट इशू हुआ हो तो बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब सिटीजनशिप के प्रूफ के तौर पे वरीशियसली रिजेक्ट किया गया है। आप सोचो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप बोलोगे फिर क्या चाहिए, जब ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए तो फिर कोर्ट बताए हमको, फॉरेनर ट्रिब्यून बताए कि भाई क्या चाहिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट बताए हमको। तो यहाँ पे जो है असम के लोगों के लिए यहाँ पे जो है किया गया एक स्टैंडर्ड कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स लाओ वो डॉक्यूमेंट ये प्रूफ होना चाहिए कि आपके माता पिता 1971 मार्च 25 1971 से पहले भारत की धरती पर मौजूद थे, मार्च 25 1971 की धरती तारीख से पहले धरती पर मौजूद थे भारत की। अब इसी दिन क्यों, 1971 में भारत बांग्लादेश बन गया था, आज़ाद हो गया था। तो बेसिकली यहाँ पे एक तो इनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनके माँ बाप 1971 से पहले थे, और यही नहीं बल्कि जो ये डॉक्यूमेंट्स लाए हैं, मान लो कोई कर भी देता है प्रूफ, ये लो रखो 1971 से मेरे माँ बाप पहले आए थे, देख लो डॉक्यूमेंट, उनको ये भी बताना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट जो इशू किया है वो यहाँ पे आके सामने अपनी गवाही दे कि हाँ हमने ये जो है इशू किया था डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट किसने बनाए होंगे उस टाइम पे, 20 साल 25 साल 30 साल ये डॉक्यूमेंट जो है बनाने वाला मर गया, बनाने वाला कहीं ट्रांसफर हो गया, बूढ़े हो गए लोग, पता ही नहीं चला किसने बनाया, कैसे लाएंगे लोग। इफ अ पिटिशनर प्रोड्यूसर्स अ सर्टिफिकेट ऑफ अवर मैरिज इन एन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश अवर लीनिएज एंड शुड द डॉक्यूमेंट बी एक्सेप्टेड बाई ट्रिब्यूनल, अगर कोई भी यहाँ पे पिटिशनर सर्टिफिकेट लाता है उसकी शादी का कि ये देखो मेरी शादी हुई है, तो ट्रिब्यूनल ऐसे कहेगा कि जिसने भी आपको सर्टिफिकेट दिया है उसको यहाँ पे लाओ कि ये अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने जो सर्टिफिकेट दिया है, अथॉरिटी जो है ये फर्दर जो आके बोले कि हाँ हमने सर्टिफिकेट दिया था। तो एक तो सर्टिफिकेट लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऊपर से किसने इशू किया था वो और लाओ, तो इससे नोशियसली रेबलेटिंग एक्सरसाइज कहाँ देखने को मिलेगी, ब्रूटल एक्सरसाइज इसको बोली जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये किस कानून के तहत हो रहा है, देखो फॉरेन ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अब जुडिशियल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी में फ़र्क क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी नए कानून नहीं बना सकती, एग्जिस्टिंग जो कानून है उन पर काम कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल बॉडी है, वो नए कानून भी बना सकती है, लॉ को रिपील भी कर सकती है। तो फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास एक सीमित जो है पावर्स होती हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के पास सीमित पावर होती हैं। ये बेसिकली काम करती है, 1964 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था उसके द्वारा तो एक क्रिएट हुई थी,
और इस ये फॉरनर्स एक्ट 1946 के तहत काम करती हैं। 1964 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था कि फॉरनर ट्रिब्यूनल अब बनेंगे, लेकिन ये काम करती है आज़ादी से पहले 1946 में फॉरनर एक्ट आया था उसमें ये कहा गया कि फॉरनर्स वो हैं, फॉरनर्स की डेफिनेशन थी और ये सब जो है इस ट्रिब्यूनल्स के द्वारा किया जाता है कि कौन है कौन नहीं है, फॉरनर है सिटीजन है। 1946 वाला कानून अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, ये बताता है कि फॉरनर वो है जो भारत का सिटीजन नहीं है, और सरकार को वाइड रेंजिंग पावर भी दे देता है कि वो फॉरेनर्स की एंट्री एग्जिट और मूवमेंट कंट्रोल कर सकती है भारत देश के अंदर। असम में फॉरनर ट्रिब्यूनल ने इतिहास में बहुत ही एक यूनिक रोल निभाया है। दो तरह के ट्रिब्यूनल्स आप देखेंगे, एक तो वो लोग जिनको यहाँ पे बॉर्डर पुलिस ने रेफरेंस दिया है कि आप फॉरनर ट्रिब्यूनल में जाओ और अपनी सिटीजनशिप स्थापित करो क्योंकि आप पे हमें शक है, तो एक तो बॉर्डर पुलिस वाले जो रेफरेंसेस हैं वो लोग यहाँ पे गए। दूसरे केसेस आए जिनको यहाँ पे डाउटफुल मार्क कर दिया गया, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बाबू होते हैं उनको डाउट, उन्होंने सिटीजन लिस्ट में इनका नाम देख के डाउटफुल मार्क कर दिया कि इनकी सिटीजनशिप पे हमें शक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? असम अकॉर्ड हुआ था 1985 का, आपको पता है जब जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था मार्च 26, 1971 में, तो उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश आज़ाद हो रहा है तो यहाँ पे कई लोग जो है आ जाए, यहाँ पे घुस जाएंगे असम में, तो सरकार ने इनकी बात मानते हुए जो कहा था कि ठीक है 1966 से 1971 के बीच में अगर कोई आदमी आया तो उसका फॉरेनर जो है घोषित कर दिया जाएगा। 1966 और 1971 के बीच में अगर कोई आदमी एंटर हुआ तो, और उनको जो है फिर वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे। और 1971 के बाद में कोई आया तो वो तो उसको तो बाहर निकाल दिया जाएगा। 1966 और 1971 के बीच में कोई आया तो उसको वोटिंग राइट्स नहीं दी जाएगी, 1971 के बाद कोई आया तो उसको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फिर इसके बाद में असम अकॉर्ड के बाद में जो इलेक्ट्रल रोल्स आए जिसमें 300,000 लोगों को डाउटफुल वोटर्स कहा गया और कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ, तो 200,000 पीपल जो है वो फॉरनर ट्रिब्यूनल में गए। फॉरनर ट्रिब्यूनल में अब वो जग गए तो फॉरनर ट्रिब्यूनल की अब बात आती है यहाँ पे प्रूफ की, जो हम इतनी देर से प्रूफ कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे। ये इतना जो है ये बर्डन सिटीजनशिप पे क्यों है, लोगों पे क्यों है सिटीजन पे? इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 के अंतर्गत बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे है जो पर्सन कोई क्लेम करता है। सरकार अगर कहती है कि ये आदमी डाउटफुल है, क्लेम कौन कर रहा है? सरकार। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे? सरकार पे, इंडियन एविडेंस एक्ट पे। यानी फॉरनर ट्रिब्यूनल में अगर सरकार जाती है कि कहती है कि ये लोग डाउटफुल है तो यहाँ पे सरकार प्रूव करेगी कि डाउटफुल है, ना कि वो लोग जिनको तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स माना जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को असम के अंदर मिटाने की कोशिश की गई फॉरनर्स एक्ट का सेक्शन 19, फॉरनर एक्ट आज़ादी से पहले वाला जो था 19 सेक्शन के अंतर्गत इस सेक्शन में पर्सन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि वो जो है यहाँ पे बताए कि सिटीजन है कि नहीं, चाहे सरकार डाउटफुल बताए चाहे कोई और इस पर डाउटफुल बताए, लेकिन क्लेम कोई भी कर रहा हो लेकिन आदमी आगे प्रूव करेगा कि वो सिटीजन है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट अपने आप में बहुत अच्छा एक्ट था, हालांकि इसकी काफ़ी दिक्कतें थी, जो दिक्कत वापस इलीगल माइग्रेंट्स एक्ट में आई। इलीगल माइग्रेंट्स एक्ट एक दूसरा प्रयास था कि किसी तरीके से जो बर्डन है जो इतना ऑप्रेसिव है लोगों पे, ये बर्डन इंडिविजुअल से गवर्नमेंट पर जाए। अब गवर्नमेंट अगर क्लेम करेगी इस एक्ट के अंतर्गत कि भैया ये सिटीजन नहीं है, तो गवर्नमेंट प्रूव करेगी। लेकिन फिर वापस 2005 में कोशिश ये की गई, इस बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है केस आया, सोरबंदा सोनवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये नाम याद रखना, क्योंकि इस केस के अंतर्गत सोरबंदा सोनवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ये जो इलीगल माइग्रेंट्स वाला जो एक्ट था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, सरकार के पास इतना एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं है कि सरकार यहाँ पे आके प्रूव करे एक एक आदमी की सिटीजनशिप और उसको फॉरनर बताए, तो यहाँ पे जो पर्सन्स हैं वही आके करेंगे। तो इस जजमेंट के तहत
इस कोर्ट में, इस जजमेंट में, सोनवाल में ये बताया गया कि असम में जो लोग घुस रहे हैं वो एक तरीके से एक्सटर्नल एग्रेशन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये अलाउ करती है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 355 का वॉयलेशन है। 335 मुझे बताओ कि कौन सी स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। गिवन दिस द बर्डन टू एस्टेब्लिश सिटीजनशिप द कोर्ट हेल्ड आउट टू ऑलवेज रेस्ट ऑन द इंडिविजुअल। तब से सोनवाल के बाद से आज तक बर्डन ऑफ प्रूफ इंडिविजुअल पे है। सर ये जो सरबंदा जो सोनवाल वाला जजमेंट था इसी को ही आज गुवाहाटी हाई कोर्ट पालन कर रहा है। फॉरेन ट्रिब्यूनल में जो भी पिटीशंस आ रही हैं उन पे यही जो है ये, अब फॉरेन ट्रिब्यूनल में कोई भी केस अगर सॉल्व नहीं होता तो रिव्यू पिटीशन गुवाहाटी हाई कोर्ट में जा सकता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट वो कैसे बोलती है कि नहीं, बर्डन आपको ही प्रूव करना पड़ेगा, और वो भी जो सर्टिफिकेट्स आप लाओगे उसमें साथ में ये भी लाओ कि कौन सी अथॉरिटी ने इसको दिया था। तो बर्डन आज भी इंडिविजुअल पे है सिटीजनशिप प्रूव करने का, और जिस तरीके से बर्डन है, जिस भाई इस केस ने बेसिकली बेनिफिट तो दिया है भाई, ये सोनवाल वाला जो केस था ना सुप्रीम कोर्ट का, आप कहोगे यार ये कितना कैसा केस था, सिटीजनशिप का जो बर्डन है वो सिटीजन पर डाल दिया, गरीब आदमी जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट है वो कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, तो ये तो बहुत गंदा जजमेंट था। देखो इसके एक बेनिफिट्स भी हैं, गंदा अच्छा क्या होता है, इसके जो बेनिफिट्स है वो ये हैं कि जो लेवल ऑफ प्रूफ है वो पता चल जाएगा कि बर्डन कितना डालना है सिटीजन पे, भाई जो पर्सन है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ कितना डालना है, ये तो घोषित हो गया इस जजमेंट के द्वारा कि बर्डन ऑफ प्रूफ इंडिविजुअल पे। लेकिन अब ये स्टैंडर्ड हम सेट कर सकते हैं कितना बर्डन डालना है, फिर लेकिन यहाँ पे आके सरकार जो है ऑपरेसिव बन जाती है, और ना केवल बल्कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगती है जो कि लाना इम्पॉसिबल है, बल्कि डॉक्यूमेंट्स ला भी ले भी आते हो तो जिन अथॉरिटी ने उसको अटेस्ट किया, जिन अथॉरिटी ने उसको इशू किया वो भी जो है वो अटेस्ट करें, वो यहाँ पे सिग्नेचर दे, वो यहाँ पे प्रूफ दे कि हाँ उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को इशू किया था, जो कि इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल। तो सोनवाला जजमेंट ने जो है कोशिश की कि बर्डन इंडिविजुअल पे जाए, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ बर्डन सेट किया जा सकता था कि कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंडिविजुअल को अपने प्रूफ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए और जो अथॉरिटी इनको इशू करेगी उसका भी सबूत लिया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है बर्डन है और स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा है। अब सॉल्यूशन, मैंने कहा था इस आर्टिकल में सॉल्यूशन ये है कि अफ्रीका जो कोर्ट है उसने ह्यूमन और पीपल राइट पे एक बहुत ही अच्छी अप्रोच लिया। उसने क्या किया कि सिटीजनशिप का जो बर्डन है वो इंडिविजुअल पे भी डाला, जो कि फॉरनर एक्ट करता है, और ये सरकार पे भी डाला। कैसे, एक बार अगर उसने प्रूव कर दिया बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाके, जैसे मान लो आपने आधार कार्ड लिया है, वोटर आईडी लिया है, पैन कार्ड लिया है, एक बार बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर वो ले आता है तो फिर उसके बाद वो बर्डन स्टेट पे चल जाएगा कि अब स्टेट ये प्रूव करेगा कि ये एविडेंस गलत है, कि ये एविडेंस सही नहीं है। तो एक बार जो है ये चीज हो जाए कि बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप ले आए, अब इस एविडेंस पे ये गलत है, ये चीज जो है स्टेट पे बर्डन है, तो सिटीजन का काम भी पूरा हो गया, स्टेट का काम भी पूरा हो गया, बर्डन दोनों पे है और दोनों पे जो है जिम्मेदारियां बन रही है। लेकिन अल्टीमेटली गुवाहाटी हाई कोर्ट ने लेकिन जो है यही कहा कि इंडिविजुअल्स को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट को जो है खुद को सिटीजन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश नहीं करना, कि भाई कि वो जो है ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लाए, मतलब एक जो खुद को सिटीजनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो जाए। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी कहा तो है ही, लेकिन फिर भी इसने सोनवाल वाली जजमेंट पे जो है अपना ऑर्डर दिया। जरूरत क्या है कि लोग वो चीज़ें दिखाएं, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं जो उनके पास अवेलेबल है, और फिर जो है को सरकार के ऊपर बर्डन है कि सरकार उन डॉक्यूमेंट्स को गलत साबित करे। तो बैलेंस होना चाहिए बर्डन का, प्रोबेबिलिटी का। एक बार इंडिविजुअल ने अपना प्रूफ बता दिया कुछ डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद वो बर्डन स्टेट पर शिफ्ट हो जाएगा। इससे बढ़िया अप्रोच कहीं नहीं मिलेगी। इंटरव्यू में, मेंस में अगर आपसे पूछ ले अफ्रीकन कोर्ट का एग्जाम्पल दे देना, खुश हो जाएंगे एग्जामिनर। तो आज हमारे देश में जो इतने गरीब हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? वो रोटी खाएंगे कि वो बाहर भीख मांगने जाएंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढेंगे? बेसिक गुड्स, कपड़े, पढ़ाई वो करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढेंगे? तो आज जो इंडिविजुअल्स पर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने का बर्डन है, खुद की सिटीजनशिप एस्टेब्लिश करने का, ये जो डिमांड है काफ़ी गलत है।
और राइट्स अगर यूनिवर्सल अगर हम मानते हैं तो हमको जो है यहाँ पे करना पड़ेगा कि सिटीजनशिप है तो ही आपके पास राइट्स हैं। तो इस तरीके से जो है वीकेस्ट के पास भी राइट्स हैं, सबके पास राइट्स हैं और हमको यूनिवर्सल स्टेटस ऑफ पर्सनहुड मानना पड़ेगा कि कोई भी आदमी जो भी है वो नेशनलिटी से बढ़कर है, मतलब नेशनलिटी से इंडिपेंडेंट है। आप भारतीय हैं लेकिन आप इस दुनिया के रहने वाले भी तो हैं, आपको हक है कि आप इस धरती पर रहें, यूनिवर्सल स्टेटस है पर्सनहुड का, ठीक है। आपको राइट्स हैं, बेसिक राइट्स तो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन आप जो है मैंशन कर सकते हैं। इंडिया नीड्स ऑल हैंड्स ऑन डेक। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि हम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पे ही क्यों डिपेंडेंट है। भाई कोरोना वायरस जिस तरीके से फैल रहा है COVID-19, हम शुरू में जो है डिपेंडेंट थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पे। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पे ही डिपेंडेंट थे कि जिस तरीके से जो है हमारे देश में 15 लेबोरेटरीज में से एक हैं जो कि नोवल कोरोना वायरस का जीनोम सिक्वेंस कर सकती है। अब जीनोम को सिक्वेंसिंग क्यों करते हैं, भाई वायरस है, वायरस की वैक्सीन कैसे बनती है, उस वायरस, ये वायरस, एक तो वायरस कोई भी लिविंग नहीं होती, वायरस लिविंग और डेड दोनों होती है, मतलब इनिशियली वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होती, वो डेड होती है, लेकिन वो जब एंटर कर जाता है बॉडी में, जब उसको पूरी तरीके से एक जो है वो मिल जाता है ऑर्गेनिज्म, तो वो लिविंग हो जाता है। तो वायरस जो है जब उसकी हम जीन, वायरस को हम जब वायरस हम ले लेते हैं और उसके जब हम जीन की सिक्वेंसिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वायरस आया कहाँ से, आरएनए क्या है, किस तरीके से ये बना है, क्या इलाज इसका हो सकता है, ऐसी वैक्सीन बनती है। तो जीनोम सिक्वेंसिंग का प्रोसेस किसी भी वायरल डिसीज़ को तोड़ने के लिए बना हुआ है। हमारे देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को ही पहचाना गया है कि जो जीनोम सिक्वेंसिंग अच्छे से कर सकती है। हालांकि WHO ने कहा कि ऐसा नहीं है, भारत में 15 में से ये एक ही लेबोरेटरी है, 15 है लेकिन जो जीनोम सिक्वेंसिंग कर सकती है उनमें से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से इस पर डिपेंडेंट है। अब धीरे धीरे कोशिश ये की जा रही है कि ICMR और NCDC, जो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, उन पर भी डिपेंडेंस बढ़े, भाई उनकी भी लैब्स का इस्तेमाल किया जाए। कई इंस्टीट्यूट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि अगर ICMR इंडियन इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अगर हमको बोलेगी तो हम उनके लिए जीनोम सिक्वेंसिंग करके दिखाएंगे। हमारे देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो वायरोलॉजी है उसके पास BSL-4 फैसिलिटी है, केवल यही है, प्रीलिम्स के मकसद से याद रख लेना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ऐसी लेबोरेटरी जिसके पास BSL-4 फैसिलिटी है, बाकी बहुत सारी ऐसी है जिसके पास BSL-3 फैसिलिटी भी है। अभी BSL क्या होता है, बायोसेफ्टी लेवल, तो ऐसा नहीं है कि BSL-4 वाले ही कर सकते हैं जीनोम सीक्वेंस, BSL-3 वाले भी कर सकते हैं। तो अब चाइना ने देखो एग्जांपल सेट किया था, चाइना में जब वायरस आया था 2008 में इन्फ्लुएंजा वाला, चाइना ने जो है बहुत सारी लैब्स बनाई थी, फैसिलिटीज लाई थी, ट्रेन किया था अच्छी तरीके से, तो ये सब चीज़ें की थी, तब जाके आज उसके पास इतने लैब्स अवेलेबल हैं। तो हमको भी इस चीज़ से सीखनी चाहिए, चाइना ने इतने लैब्स बनाए, इतने लैब्स डेवलप किए, और भारत में भी अगर हम और लैब्स डेवलप करें और सबको जो है सहायता दें, सबको स्किल्स बढ़ाएं, क्योंकि जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको मौका नहीं दिया जा रहा इस जीनोम को सिक्वेंस करने का, वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमें मौका दिया जाए, वरना हमारी स्किल्स आगे कैसे बढ़ेंगी। अब भारत में केसेस काफ़ी कम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम हल्के में लेके चलें इस, अब देखो अगर हम लैब्स और अगर ये लैब्स बढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट्स और इनको जिम्मा सौंपते हैं ना, तो इनके कई फायदे होते हैं जो चाइना में दिखे, और ये आप मेंस के आंसर में लिख सकते हो। चाइना में सबसे पहले क्या क्या हुआ, एक तो ह्यूमन टेक्निकल एक्सपर्टाइज बढ़ी वायरोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी में, ये याद रख लेना पहला। दूसरा, कॉम्प्रहेंसिव इन्फ्लुएंजा सर्विलेंस सिस्टम निकल के आया। तीसरा, एनालिसिस अच्छे से करते हैं वो। चौथा, सर्विलेंस डाटा का अच्छे से डिसेमिनेशन होता है, डाटा जो है उसका अच्छे से जो है वो डिसेमिनेशन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। और लास्ट इन्फ्लुएंजा वायरस अगर कोई होता है तो अर्ली रिस्पॉन्स उसको देते हैं, ऐसे वायरस को जिनका पोटेंशियल काफ़ी पेंडेमिक होता है जो दुनिया में फैल सकती हैं उनको अर्ली रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये चाइना में अच्छी तरीके से हुआ। और कभी भी आपसे पूछ ले कि हम अपने जो किस तरीके से काम कर सकते हैं आगे कोई वायरल डिसीज़ नहीं हो, तो उसके में उस आंसर में भी आप ये पॉइंट डाल सकते हैं कि ये करना चाहिए जिनकी वजह से जो है वायरल डिसीज़ रुक सकती हैं, ठीक है। अब एक बार मैं आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ICMR के बताने से पहले एक बार ये आर्टिकल आपको कंप्लीट कर देता हूँ। देखो इस आर्टिकल में बात हो रही है प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। देखो हमारे देश में अभी क्या हुआ, हाल ही में DDT को विड्रॉ कर लिया गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को विड्रॉ कर लिया। अब देखो कंपनी है, कंपनी जो है वो पैसा कमा रही है, उस पर टैक्स लगा। कंपनी अब जो प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करती है
तो डिस्ट्रीब्यूट जब करती है अपने शेयर होल्डर्स में, डिविडेंड होल्डर्स में, तो फिर उस पर टैक्स लगता है। तो एक बार कंपनी ने पैसा कमा लिया, पैसा टैक्स लग जाएगा जो भी कॉर्पोरेट टैक्स चलती है, और फिर जब जो प्रॉफिट वो अपने डिविडेंड होल्डर्स में बांटेंगी तो वो डिविडेंड पे भी टैक्स लगेगा। तो कंपनी को यहाँ पे डबल टैक्सेशन फेस करना पड़ता था अंटिल नाउ, जब फाइनेंस बिल 2020 आया जिसमें क्लासिकल सिस्टम ऑफ टैक्सिंग आया। अब हमारे देश, हमारे तीन मेथड होते हैं टैक्सिंग के, क्लासिकल सिस्टम, एक क्लासिकल सिस्टम, सिंपलिस्टिक सिस्टम, DDT। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, क्लासिकल का मतलब है कि यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो यहाँ पे क्लासिकल सिस्टम के अंदर जो टैक्स का जो बर्डन है वो शेयर होल्डर्स पे जाता है, डिविडेंड होल्डर्स पे जाता है। यानी कंपनी ने अपना टैक्स चुका दिया यहाँ पे, अब जो डिविडेंड बांट देगी तो डिविडेंड बांटने के बाद जो डिविडेंड गया लोगों के पास, वो अपने अब टैक्स चुकाएंगे अपने तरीके से। कंपनी को अब बर्डन नहीं मिलेगा कि अब वो डबल टैक्सेशन करे। अब यहाँ पे सरकार एक एक डिविडेंड होल्डर के पास जाएगी और कहेगी टैक्स चुकाओ। ये क्लासिकल सिस्टम था, लेकिन इसको किसी ना किसी तरीके से हटाना पड़ा, क्योंकि ये देखा गया कि अब उस टाइम जो है 12,000 की तक की छूट मिलती थी डिडक्शन की, है ना, उस टाइम पे। लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंस क्या है वो बता रहा हूँ कि क्लासिकल जो सिस्टम है बेसिकली उस वो बर्डन डालता था शेयर होल्डर पे, डिविडेंड होल्डर पे। टैक्स तो जाना ही था, टैक्स कंपनी दे कि चाहे जिनको डिविडेंड मिल रहा है उनको दे, टैक्स तो देना ही है। लेकिन टैक्स अगर कंपनी देती है तो एक तो उसको टैक्स देने का इतना कॉस्ट, ऊपर से डबल टैक्सेशन की समस्या। तो यहाँ पे क्लासिकल सिस्टम में बर्डन किस पे था, डिविडेंड होल्डर पे। अब डिविडेंड होल्डर, अब क्या हुआ कि ये सिस्टम जो है इसकी कई खामियाँ आई। एक तो ये कि उस टाइम पे जो है इतना हमारे देश में शुरू में 1997 तक ये जब सिस्टम चला था, तो 1997 में एक एक इनकम टैक्स जो होल्डर, इनकम टैक्स जो पेयर है, और एक एक आदमी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी कि कौन कौन डिविडेंड होल्डर है। इतना ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी भी हमारे पास नहीं थी। तो तब ये देखा गया कि क्लासिकल सिस्टम से हमको सिंपलिस्टिक सिस्टम की ओर चलना चाहिए। और सिंपलिस्टिक सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो बर्डन है टैक्स देने का डिविडेंड पे, वो कंपनी के पास ही है। कंपनी टैक्स दे देगी, जो पैसा बचा वो डिविडेंड बांट दो। क्लासिकल में क्या होता था पहले कि डिविडेंड बांट दो, उसके बाद लोग जो टैक्स अपनी तरफ से चुका देंगे जिनको जितना जितना डिविडेंड मिला। सिंपलिस्टिक में क्या होता है कि जो अब तक चल रहा था क्लासिकल, 1997 तक बंद हो गया, 1997 के बाद क्लासिकल बंद हो गया, 1997 के बाद सिंपलिस्टिक आया जिसमें कंपनी जो है टैक्स देने लग गई। डिविडेंड आया तो मान लो 20% टैक्स दे दिया, 10% टैक्स दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचा वो बांट दिया। अब धीरे धीरे कंपनियों में दिक्कत आने लगे, डबल टैक्सेशन की समस्या और इसी समस्या। और ये भी पता चला कि धीरे धीरे अब जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जो इंडिविजुअल डिटेल सरकार के पास है कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, तो यहाँ पे हम हर इंडिविजुअल से टैक्स ले सकते हैं। तो आज 2020 में फाइनेंस बिल 2020 के जरिए इस बजट में हमने, सरकार ने प्रावधान कर दिया कि अब हम क्लासिकल सिस्टम की तरफ लौट रहे हैं, जिसमें बर्डन जो है वो फिर डिविडेंड होल्डर के पास जाएगा कि अब वो टैक्स पे करें। टैक्स तो देना ही है लेकिन बर्डन अब डिविडेंड होल्डर के पास जाएगा। ये सिस्टम है, क्लासिकल सिस्टम 1997 तक था, सिंपलिस्टिक आया और अब 2020 से वापस क्लासिकल सिस्टम आ गया, समझ रहे हो। एक तीसरा सिस्टम होता है इम्प्यूटेशन सिस्टम, जो हमारे यहाँ पे नहीं है लेकिन कई कंट्रीज़ में, जिनमें कुछ टैक्स तो जो है वो डिविडेंड होल्डर देते हैं और कुछ टैक्स जो है वो कंपनी देती है, तो दोनों पे जो है थोड़ा थोड़ा बर्डन जाता है, ठीक है। ये थी हमारी वीडियो। जाने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देते हुए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का ही एक इंस्टीट्यूट है, पुणे में है, 1952 में आया था वायरस रिसर्च सेंटर के तौर पे, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ही एक इंस्टीट्यूट है। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने और भी जो है लैब्स बनाने की कोशिश की है, भाई COVID-19 को कंटेन करने के लिए, उसका जीनोम सिक्वेंस करने के लिए। भाई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट, मेडिकल रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसके पास BSL-4 की फैसिलिटी है, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो और इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास BSL-3 की फैसिलिटी है। तो ICMR कोशिश कर रहा है कि और लैब्स जो है उनको भी जीनोम सिक्वेंस करने का मौका दिया जाए। ICMR क्या है, ये अपेक्स साइंटिफिक बॉडी है बायोमेडिकल रिसर्च की फॉर्मूलेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन के लिए। 1911 में ये आई थी एज इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज है दुनिया में। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंडर आती है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आती। और ध्यान रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली
वेलफेयर के अंदर आती है, तो कई बार क्या है यूपीसी कन्फ्यूज कर देता है मिनिस्ट्री के नाम पे। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंदर ही आती है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसकी गवर्निंग बॉडी पे कौन चेयर करता है, कौन प्रिसाइड करता है, हेल्थ मिनिस्टर। एक तरीके से ये साइंटिफिक और टेक्निकल एडवाइस भी देती है, एडवाइजरी बोर्ड है इसका, साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड। अच्छा, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, ये भी जो है कह रहा है कि हमको भी मौका दो कि हम भी है जो ये कोविड 19 का जो वायरस का इसको सीक्वेंस कर ले, हमें भी जो है, हमारे पास भी फैसिलिटी है। अब ये क्या है, ये अलग है, ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, लेकिन ये इंडियन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर आती है। ICMR जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंदर आती है, और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर आती है। दोनों की मिनिस्ट्री सेम ही है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है। 1963 में आई थी ये, बेसिकली एपिडेमोलॉजी और कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करने के लिए आई थी। इसको पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। मैं वापस बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ICMR आता है और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल आता है। ICMR डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंदर आता है न्यू दिल्ली में, और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर आता है, ठीक है। ICMR का खुद का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसके पास BSL-4 फैसिलिटी है, जो देश में कहीं भी नहीं है, पुणे में है ये, ठीक है। तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गुड ब्लेस।